नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब नज़र तफसीली खबरों पर। भैंसा शहर के सामाजिक कारकुनान की जानिब से सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल को जन्मदिन की मुबारकबाद। भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल की जिम्मेदाराना फ़राइज़ और ईमानदारी से मुतासिर होकर आज भैंसा शहर के नौजवानों ने टाउन पहुंचकर शालपोशी व गुलपोशी करते हुए जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की, जिस पर सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल ने नौजवानों की मोहब्बत और आपसी भाईचारगी पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर शेख साहिल करस्पॉन्डेंट ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान अहमद, सामाजिक कारकुन मोहम्मद रजी, साजिद लकी के अलावा सैयद इमरान मौजूद थे। भैंसे से हमारे नुमाइंदे शेख जीशान की रिपोर्ट। वज़ीर जंगलात इंदिरा गैन रेड्डी के हाथों बदकम्मा नगमे की रस्म इजराई। ज़िले निर्मल और भैंसा शहर के फनकारों की जानिब से बदकम्मा सांग तैयार किया गया था। उस सांग का आज निर्मल कैंप ऑफिस में आडियो सीडी की नकाबकशा अंजाम पाई। इस मौके पर वज़ीर जंगलात इंदिरा गैन रेड्डी ने तमाम ही टीम को मुबारकबाद पेश की। निर्मल से हमारे नुमाइंदे अली पाशा खादरी की रिपोर्ट। बोध के सरकारी दवाखाने में लापरवाही का माहौल। बोध के सरकारी दवाखाने में मरीजों को मुकम्मल सहूलियात फराहम ना किए जाने और इलाज के लिए ज़रूरी आलात की गैर मौजूदगी की अवाम की शिकायत पर बोध हल्के के कांग्रेस कायदीन, जिनमें MPTC महिंदर शेख मोहम्मद सत्यनारायण के सरकारी दवाखाना का मुआयना करते हुए तमाम सहूलियात का जायज़ा लिया और मरीजों को सहूलियात फराहम ना किए जाने पर बरहमी का इजहार करते हुए हल्के बोध रुकन असम्बली को तनखीद का निशाना बनाते हुए कहा कि TRS हुकूमत में अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही मुतालबा किया कि सरकारी दवाखाने में बेहतर से बेहतर सहूलियत फराहम किया जाए। मोइनाबाद और उत्तर प्रदेश के हाथरस में पेश आया असमत रिजी वाकये की खिलाफत करते हुए जिले जगत्याल कांग्रेस सदर खुतबुद्दीन ने भूख हड़ताल करते हुए वैश्य दरिंदों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी, जिस पर पुलिस की जानिब से हंगामाई तरीके से जबरन उस भूख हड़ताल को तोड़ते हुए खुतबुद्दीन को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मिड पुलिस से हमारे नुमाइंदे फिरोज खान की रिपोर्ट। ज़िले नांदेड़ के OBC समाज संगठना का एहतजाज। OBC समाज संगठना ने आज ज़िले नांदेड़ ज़िले कलेक्टर दफ्तर के रूबरू एक एहतजाजी धरना देते हुए अपने मसाइल की एक्सीवी का मुतालबा किया। इस एहतजाज में OBC ब्रदरान की मुख्तलिफ तंजीमों ने शिरकत की। विविध मागण्या है जे की प्रमुख मागण्या जात निहाय जनगणना व्हायला पाहिजे। दुसरी मागणी जी आहे महाज्योति संस्था मागच्या सरकार ने स्थापित केलं आणि आता ही आहे, पण मागच्याही सरकार ने या महाज्योति संस्थेला निधी पुरवलेला नाही आणि आजचंही सरकार निधी दिलेला नाही, त्यामुळे महाज्योति या संस्थेला 1,000 कोटी रुपये देण्यात यावं आणि जे काही इथं मेगा भरती व्हायला पाहिजे ते बंद करण्यात आलेली आहे। मेगा भरती तात्काळ सुरू करण्यात यावी आणि जे काही OBC साठी जे काही महाविद्यालयीन प्राध्यापक भरतीमध्ये संवर्ग निहाय आरक्षण लागू करण्यात यावं
आणि जे काही ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडलेली आहे आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना हॉस्टेल नाहीत, हॉस्टेल देण्यात यावं आणि शिष्यवृत्ती रखडलेली ते सुद्धा देण्यात यावी अशा विविध मागण्या घेऊन आज इथं नांदेड जिल्हा कलेक्टर ऑफिस समोर आम्ही ओबी समाजाच्या वतीने आज धरणे आंदोलन करीत आहोत. महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारच्या काळामध्ये फार मोठा महाराष्ट्रातल्या ओबीसीवर अन्याय झालेला आहे. राज्यामध्ये ओबीसीसाठी अनेक प्रकारची या ठिकाणी कमिशन निर्माण झाले होते, त्यामध्ये बापट कमिशन असेल, श्राफ कमिशन असेल, कमिशन असेल, मंडल कमिशन असेल, या सगळ्या कमिशनना महाराष्ट्रातला मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे परंतु तो सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही या प्रकारचा अहवाल दिला होता. परंतु महाराष्ट्रामध्ये भाजपा सरकारनं जे काही गायकवाड कमिशन निर्माण केलं होतं त्या गायकवाड कमिशनमध्ये मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला म्हणून त्याला ओबीसीमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न भाजपा सरकारनं केला आणि दुर्दैवानं महाराष्ट्र सरकार संपूर्णपणे त्याच्या पाठीशी राहिलं. हायकोर्टमध्ये ते मॅटर गेल्याच्या नंतर सरकार खंबीरपणानं भाजपचं सरकार त्या गायकवाड कमिशनचं समर्थन करायला लागलं आणि दुर्दैवानं महाराष्ट्रामध्ये हायकोर्टाचा निर्णय हा राज्यातला ओबीसीच्या विरोधामध्ये गेला होता. परंतु आम्हाला या सगळ्या महाराष्ट्रातल्या ओबीसी कार्यकर्त्यांना हे माहीत होतं की सरकार आणि स्थानिक पातळीवर कोणत्याही प्रकारचं समर्थन जरी दिलं तरी हा निर्णय काही सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकणार नाही आम्हाला माहीत होतं आणि सुप्रीम कोर्टानं त्या ठिकाणी असणाऱ्या गायकवाड कमिशनला तिथं स्टे दिला आणि ती भूमिका त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये दुर्दैवानं अनेक वर्षापासून अनेक जातीच्या संघटनेचे लोक आपापल्या पद्धतीनं आपल्या सामाजिक मागण्या मागत आले. महाराष्ट्रातल्या ओबीसी आणि अनेक प्रकारच्या जाती जमातीचं हित करणारे म्हणून घेणारे अनेक मोठे मान्यवर माणसं या महाराष्ट्रामध्ये या गरिबांच्या बाजूने कधी बोलले नाहीत. परंतु ज्यावेळी सुप्रीम कोर्टानं मराठा समाजाच्या असणाऱ्या आरक्षणाला स्टे दिला त्यावेळी या राज्याचं एक बलाढ्य नेतृत्व शरदरावजी पवार म्हणाले की जर मराठा समाजाला सुप्रीम कोर्टानं स्टे दिला असेल तर राज्य सरकारनं स्वतंत्र ऑर्डिनन्स करावा आणि त्यांचं आरक्षण द्यावं. आम्हाला एक या ठिकाणी भूमिका मांडायची आहे, जर मराठा समाजासाठी तुम्हाला ऑर्डिनन्स काढता येतो मग धनगर समाजासाठी ऑर्डिनन्स का काढला नाही, धोबी समाजासाठी ऑर्डिनन्स का काढला नाही, बारामुल्ची दारासाठी ऑर्डिनन्स का काढला नाही, ओबीसीसाठी ऑर्डिनन्स का काढला नाही. या राज्यामध्ये इम्बॅलन्स जस्टिस करणारं नेतृत्व राज्याचं सरकारमध्ये नियंत्रण करतं याचा आम्हाला आणि महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसीमध्ये आरक्षण मराठा समाजातल्या गरिबांना देऊ नये असं आमचं म्हणणं नाही पण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मराठा समाज ओबीसीच्या कॅटेगरीमध्ये या राज्यात आला नाही पाहिजे या प्रकारची आमची भूमिका आहे. आणि दुर्दैवानं सरकारने निर्णय घेतला चुकीचा तर महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण जातीचे ओबीसीचे लोक एकवटून रस्त्यावर येतील आणि डू डायची लढाई राज्यातला ओबीसी लढेल या प्रकारची भूमिका आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रकाश शेंडगेंच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी विजयंती संघर्ष समिती आणि अनेक ओबीसीच्या संघटना महाराष्ट्रभर आज रस्त्यावर उतरलेल्या आहेत. हा प्रातिनिधिक लढा आहे. यापुढे जर सरकारनं या ठिकाणी निर्णय नीट घेतला नाही तर राज्यामध्ये ओबीसी तीव्रपणे लढा करणार आहे. धराने सर्वे से अपना तहफ़ुज़ किया जाए. मौलाना अब्दुल मगनी रियासती हुकूमत की जानिब से घर घर पहुँच कर किए जा रहे धराने सर्वे से मौलाना मगनी साहब ने शकूक को ज़ाहिर करते हुए कहा कि ऐसे सर्वे की कोई ज़रूरत महसूस नहीं है. इस सर्वे का मतलब समझने से साफ इनकार कर दिया. इन्होंने तमामी रियासत के हिंदू मुसलमान बाशिंदों से पुरजोर अपील की कि इस तरह की चालाकी से अपने आप का तहफ़ुज़ करें. जब तक इस सर्वे का मतलब और मकसद का खुलासा ना हो जाए तब तक अपने जानकारी के अदखाल को रोकें. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کہ آج ہم اس موضوع پر اس لیے جمع ہیں کہ ہماری ریاست میں ایک سروے کیا جا رہا ہے اور اس سروے کے تعلق سے بہت سے لوگوں کو تشویش ہے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان تمام اہلیان اسٹیٹ کو اس ریاست میں رہنے والے تمام لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے کہ آخر یہ سروے کس بنیاد پر ہے کس وجہ سے ہے اور کس لیے یہ سروے کیا جا رہا ہے اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سروے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جن لوگوں کے پاس جائیداد ہے مکانات ہیں ان کی پہلے سے رجسٹری ہے اور ان کا اندراج حکومت کی رجسٹرات میں موجود ہے جن لوگوں کا
कि जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, मकान और ज़मीन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके लिए रजिस्ट्री की ज़रूरत पेश आएगी। बाकी सब के लिए इस सर्वे को लाजिम कर लेना और घर घर जाकर डोर डोर फिर करके ये सर्वे हासिल करना, ये समझ से बाहर है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। इसलिए इस वक्त उम्मत मुस्लिमा ही नहीं बल्कि तमाम बाशिंदगा ने रियासत तेलंगाना तशवीश में मुबतला हैं और बास जगह से इस सर्वे का बायकाट किया जा रहा है, जिसकी इत्तलात भी हम लोगों को हो रही है। इस वक्त में जिन दफ़ात की निशानदेही की गई है, मसलन उसमें आधार कार्ड का और उसके नंबर का इंदराज, फैमिली मेंबर्स की तफसीलात या इसी तरह मज़हब, कबीले और बिरादरी वगैरह वगैरह की वजाहत, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है। इस सर्वे में, इस फॉरम में इन चीज़ों का इंदराज हमें ये जाहिर कर रहा है, बता रहा है कि ये सी ए एन पी आर एन आर सी की तरफ एक ख़दम है या उसकी एक दूसरी शक्ल है। अगर ये बात है तो हमारे लिए बड़ी तशवीश का बाइस है और इससे जो ख़तरात माजी में पेश आए थे और वही ख़तरात इस सर्वे की तकमील पर और इन तमाम दफ़ात के इंदराज पर पेश आ सकते हैं। इसलिए हमारी जमीयत उलमाए हिंद के रियासती सदर मोहतरम हज़रत हाफिज़ पी शब्बीर अहमद साहब ने इस सिलसिले में सहाफ़ती बयान और इसी तरह सोशल मीडिया वग़ैरह पर अपना एक बयान जारी किया, जिसके ज़रिए से उन्होंने ये मुतालबा किया हुकूमत वक्त से, चीफ़ मिनिस्टर से, कि वो इस सर्वे की वजाहत करें ताकि मुसलमानों की तशवीश दूर हो। अगर वो वजाहत नहीं करते हैं तो फिर मुसलमानों की तशवीश ख़त्म नहीं हो सकती, मुसलमानों ही की नहीं, इस रियासत के तमाम लोगों को जो तशवीश है वो ख़त्म नहीं हो सकती। आज सुबह मोहतरम जाफ़र पाशा साहब ने फ़ोन किया आज की इस कॉन्फ्रेंस का, इस वक्त की इस कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद पीर शब्बीर साहब ने भी ये कहते हुए फ़ोन किया कि मैं अजला के सफ़र में हूँ, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके इस बात का मुतालबा किया जाए कि हुकूमत इस सर्वे की ज़रूरत और इसकी नौयत का इजहार करे और उसको वाज़ह करे, और उनकी वजाहत से पहले हम अपने तमाम बाशिंदगान रियासत से, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, चाहे वो शहर के हों या अजला और देहात के रहने वाले हों, हमारा उनसे मुतालबा ये है कि जब तक वजाहत ना हो उस वक्त तक इस काम को मौकूफ़ रखें और इस काम में जो है इस सर्वे के फारम को न भरें और इसको मौकूफ़ रखें ताबख्ते कि हुकूमत की तरफ से कोई वाज़े ऐलान वजाहती तौर पर ना आ जाए। इसलिए आज इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से भी हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि रियासत के तमाम अहलियान और बाशिंदगान, चाहे शहर में हो चाहे अजला और देहात में हो, फ़िलहाल इस सर्वे फारम को भरने और इसके इंतराजात को मुकम्मल करने से गुरेज करें, बचें, परहेज़ करें और इस काम को मौकूफ़ रखें। जो भी इस सिलसिले में आए उनसे पूरी तरह माजरत कर लें। अगर इसकी वजाहत नहीं होती तो हम ये समझेंगे कि ये मोदी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत का जो मंसूबा है एनपीआर और एनआरसी और सीए के ज़रिए से, ये उसी की तरफ पेशकदमी है और उनके इस काम में मदद करना है। ये बात हमारे लिए नहायत दुख और अफसोस की है कि एक तरफ तो हमारी हुकूमत, हमारे सीएम साहब और हमारी इस स्टेट तेलंगाना हुकूमत के वज़रा अपने आप को आवाम दोस्त कहते हैं और अपने आप को सेकुलर ज़हनियत के हामिल बताते हैं और सेकुलरिज्म का दावा करते हैं और अपने आप को बीजेपी और आरएसएस वगैरह फ़िरका परस्त कट्टर पसंद लोगों से अपने आप को अलहदा बताते हैं, लेकिन काम शुरू ही से वो कर रहे हैं जो इन लोगों की मर्ज़ी का है, फ़िरका परस्तों की मर्ज़ी का, बीजेपी की मर्ज़ी का, मोदी और अमित शाह की मर्ज़ी का जो काम है वही काम हमारी यह हुकूमत भी एक बात दिगरे करते जा रही है।
जिससे हम सबको इस बात की तश्वीश है कि ये कहीं हमारे साथ और इस पूरी रियासत के तमाम इंसानों के साथ, तमाम अहलिया ने रियासत और बाशिंदगान रियासत के साथ धोखा तो नहीं है कि अपने आप को सेकुलर और जमहूरियत पसंद, आवाम पसंद और सबको लेकर चलने की पॉलिसी का मजहर और हामिल बता करके वोट लिया जा रहा है और अपनी सियासी ताकत मजबूत की जा रही है, और दूसरी तरफ अंदरून खाना पीछे से इस किस्म के काम किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, जिससे हम लोगों को, सभी को एक तश्वीश है और एक किस्म का सदमा और दुख है। इसलिए अब तक भी हम लोगों का यही मुतालबा रहा है कि सीए और एनआरसी और एनपीआर का बायकाट किया जाए, और आवाम से मुतालबा ये है कि जब तक आपके ज़िम्मेदार कायदीन मुसलमान उलमा और पेशवा लोग जब तक इस बात की इजाज़त न दें, उस वक्त तक इस काम को मौकूफ़ रखा जाए। इसी तरह दूसरे हजरात से भी गुजारिश है कि आप भी इस फार्म को भरने में जल्दी ना करें, एहतियात से काम लें। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के ज़र्र और नुकसान से महफूज व अमून रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।